नगर निगम कार्यालय के मुख्य गेट पर पानी की परेशानी को लेकर अलग अलग वार्ड के पार्षद और कॉलोनी के लोगों ने मिलकर ताला लगा दिया। पार्षदों का आरोप है कि सोनीपत में 10 महीने से पार्षद बने हुए हैं, अभी तक पीने के पानी की समस्या का निदान नहीं हुआ। घरों में सप्लाई का पानी कई कई दिन बाद पहुंचता है। सीवरेज के गंदे पानी के साथ मिलकर पानी पहुंचने से लोग परेशान हैं। और आज हम यहाँ पे सभी पानी की वजह से दिक्कत जो हमारे को जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं पूरे वार्ड में, पूरे सोनीपत में, उसके लिए एकत्रित हुए हैं। और हम यहाँ पे जो ये हमारा स्टाफ सोया हुआ है कमेटी का, जो आए दिन हमारे बार बार फोन करने के बाद भी और बार बार कहने के बाद भी, जो उस चीज़ के लिए हमें अवगत करवाने के बाद भी रिप्लाई नहीं दे रहा, आज हम उनके कान आँख सब खोलने के लिए आए हैं कि भाई पब्लिक इतनी परेशान है, पब्लिक भी हमारे साथ खड़ी है कि वो पब्लिक से भी पूछ सकते हैं कि वो कितनी परेशान है। त्योहारों के दिन चल रहे हैं, इन लोगों को कोई सुनवाई नहीं है। हम बार बार सुबह से फोन कर रहे हैं कि हमारे वार्ड में 5 दिन से पानी नहीं आ रहा, लेकिन इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इनको सिर्फ अपने कानों को बंद करके बैठे हुए हैं। सिर्फ आज हम ये इसी वजह से यहाँ पर रिक्वेस्ट हुए हैं कि हम इनको जगाना चाहते हैं कि जागो और पब्लिक को देखो कि पब्लिक का क्या बुरा हाल है। नगर निगम कार्यालय पर ताला जड़ने को लेकर पार्षदों ने कहा कि प्रशासन कोई भी काम नहीं कर रहा। जाजल रिनीवॉल बंद पड़ा है, वार्ड में लगे हुए पंपसेट भी सुचारू रूप से काम नहीं करते। बार बार शिकायत देने के बाद भी निदान नहीं हो रहा। 10 महीने बीत चुके हैं, लोग ताला जड़ने को मजबूर हैं। उन्होंने आरोप लगाया घर में आने वाला पानी जहर के बराबर है। डेंगू मलेरिया से इंसान बच सकता है, लेकिन गंदे पानी पीने से इंसान का बचना नामुमकिन है। नगर निगम सोनीपत की तालाबंदी की गई है, अधिकारियों से रोष प्रकट करने के लिए। अधिकारी किसी भी प्रकार का काम नहीं कर रहे हैं। मेन मुद्दा पानी की समस्या का है, जो जाजल रेनिवल भी बंद पड़े हैं और 100 वार्डों के अंदर समर्सिबल लगाए हुए हैं, वे भी सुचारू रूप से नहीं चले हुए हैं। अगर पानी आता है तो गंदा सप्लाई के सीवरेज का मिक्स होके गंदा पानी सप्लाई आती है। इसी वजह में हम यहाँ पे आज निगम के सामने ताला लगाकर सभी पार्षद यहाँ खड़े हैं। ऐसा जी, डेंगू मच्छरों के कारण से डेंगू की और मलेरिया की बीमारी बहुत ज्यादा फैली हुई है और गंदा पानी पीने से ये तो एक जहर पीने के बराबर है। वहीं स्थानीय कॉलोनी की महिलाओं के मुताबिक घरों में पीने का पानी कई दिनों से नहीं पहुंचा। जब पानी आता है तो वो काफी गंदा और बदबूदार होता है। पानी की है जी, बिल्कुल पानी नहीं आ रहा हमारे वहाँ, बहुत गंदा पानी है, सीवर का पानी है, बिल्कुल टाइम पे बिल्कुल नहीं आ रहा कभी भी। अब तो बहुत परेशान हो रहे हैं हम, बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। हमने नारे का ना 5 दिन से बिल्कुल नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा है। अब 5 दिन ही बोगे और 3 भी नहीं पाछा हो गए थे, और पानी नहीं आ रहा। जो छोतरे धोरो थोड़ा बहुत पानी आवा है, यो गंदा पानी आवा है हमारे, बिल्कुल मोहल्ले में दर्जी आली गली में पानी नहीं चल रहा है। बिल्कुल पानी की समस्या को लेके MC दफ्तर में पहुंचे हैं, लाल दरवाजे के आए हुए सारे। रवि नाम है मेरा, लाल दरवाजे से 4 दिन से पानी नहीं आ रखा, पिछली बार भी शिकायत की, जब भी कोई सुनवाई नहीं। अब भी यही है, पानी गंदा आ रहा है, 5 दिन से बिल्कुल परेशान है, पानी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी। जल ही जीवन है और सरकार ने लोगों के घर घर जाकर पानी पहुंचाने का बेहतरीन जिम्मा अधिकारियों को सौंपा, लेकिन अधिकारी हैं कि सरकार की जल योजना को न केवल पलीता लगा रहे हैं बल्कि सरकार की छवि पर कालिक रगड़ने से बाज नहीं आ रहे। सोनीपत से सुनील जिंदल की रिपोर्ट।